टीआरपी बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया जो है जगह जगह दिखा रही है। हम देश का नमक उसने खाया तो देश का सैयद तो गाया ही नहीं, उसने तो सीधे सीधे उठाया देश को बेचना चालू कर दिया। उसका तो झूठ बोलना हम लोग आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना फेंका। नमस्कार, आप देख रहे जनता आवाज, मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। 10 तारीख को वोट खुलने हैं, लेकिन जो टीवी अखबारों में चल रहा है वो एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बना रही है। साफ तौर पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एग्जिट पोल बंगाल जैसे नतीजे होंगे या दिल्ली जैसे नतीजे होंगे। मैं समय जनता के बीच में हूँ और जनता से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या सच है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम अशोक कुमार यादव, मैं पूर्वांचल का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। और जो इस समय आप लोग देखे हैं ये उसको हम लोग गलत मानते हैं, और ये खाली यहाँ के लोगों को शांत कराने के लिए वो लोग अपना ये दिखा रहे हैं। सरकार का परिवर्तन होगा ये निश्चित है, कल नहीं परसों खुद मालूम हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि 280-285 सीट आ रही है भाजपा, वो सब झूठ बोलने का आदत ही, जब से सरकार ने उस समय भी झूठ बोलते, अब तो सरकार बनाने की लालच में तो और झूठ बोलेंगे सभी। खाली बस मेन मुद्दा इन सब को झूठ बोलना है और क्या है। यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बताते नहीं हैं सब, यहाँ कह देते हैं मैं राम को ला दूंगा, कभी कहते मैं कुछ बन कर दूंगा, क्या किए हैं सब, इसके बारे में कोई जनता जान नहीं रही है। वो तो कह रहे हैं कि जनता को जो 5 किलो राशन तेल नमक दिया उस पर वोट दे दिया जनता। ये बताइए 5 किलो राशन कई दिन चलता है, उसको पता है राशन तो उसका है नहीं, पैदा हम लोग करते हैं, किसान हम लोग हैं। 5 किलो कई दिन चलेगा? ये सरकार के जो लोग मंत्री हैं इनका भोजन जानते हैं ना कितना महंगा है, और यहाँ के जनता का भोजन देख लीजिए कितना महंगा है। खाली वो अपने भोजन उस रेट से लोग खिला दे तो हम लोग जान जाएंगे, 5 किलो राशन की तो बात हम लोग छोड़ देंगे। तो यह गलत हवा फैलाया जा रहा है, बंगाल में ही हल्ला हुआ था। सरकार आप लोगों को खुद मालूम, कल परसों हो जाएगा सरकार सपा की बनेगी, यह जाएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए गलत से अगर सरकार लोग बना लिए तो ये उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान बिक जाएगा, अब यहाँ की जनता भोगेगी। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम बना रहे हैं, बेचेंगे कहाँ? उत्तम प्रदेश नहीं, इसको तो खंडा प्रदेश बना दिए सभी, जो नहर खोन कर बना दिया था, ये डूबने वाला है अगर आ गया सरकार तो। भाई साहब, यह देश बिकने वाला है अगर इन सबों के हाथ में आ गया तो। ये बताइए जो देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि मैं गर्मी छोड़ा दूंगा, मालिक को ये कहना चाहिए, तुम सबके लिए हो ना, तुम्हारे पास कितना गर्मी है, तुम गर्मी छोड़ाते तो जाओ गर्मी छोड़ाओ, पता चल जाएगा। ये तो भूल में लोग कह देते हैं कि सत्ता में लोग आएंगे, अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि कहाँ लोग रहेंगे, अब इनको जगह नहीं मिलेगा। जिस तरह से मायावती साफ हो गई होंगे, भाजपा साफ हो जाएगा। चलिए और भी लोग उनसे जानते, क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप क्या सोचते हैं, जैसे कि एग्जिट पोल तो भाजपा को जिता रहा है? नहीं, ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया था, अभी 10 तारीख के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि किसकी सरकार बन रही है। इससे पहले क्या लग रहा है, अभी समाजवादी की सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा। नहीं तो ठीक है, 10 तारीख को एग्जिट पोल के बारे में बात कीजिएगा, 10 तारीख के बाद ही परिणाम निश्चित होंगे। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाजपा 280-85 पार कर रही है, हमको तो लग रहा है 85 भी वो पार नहीं करनी चाहिए, जिस तरह का उसने 5 साल में लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, शिक्षा के साथ किया और क्या बोलते हैं रोजी रोजगार के साथ किया, सरकारी जो है जो हमारी संपत्तियाँ थी उसको सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया और बेच करके देश को चलाया, कहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया जो है जगह जगह दिखा रही है। हमको तो नहीं, अमित शाह जी तो कह रहे थे कि रात के बेटियां 12 बजे सुरक्षित हैं इसलिए वोट दे दिया। अमित शाह तो इतने पढ़े लिखे हैं कि लोगों को कहे थे कि 12वीं पास हो जाओगे इंटर में जाओगे तो हम लिपटा देंगे, उनसे तो अगर देश दे दिया जाए हाथ में तो हमको लगता है कि वो पूरा देश में एक ही दिन में बैनामा कर देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। दूसरी बात है कि इस देश में ईवीएम का जो घोटाला है इस देश में, अब जनता इसको धीरे धीरे समझ जाएगी। अगर इस बार जो 5 किलो का राशन की बात कर रहे हैं तो महंगाई पर आप बताइए, 45-46 रुपया पेट्रोल होना चाहिए, 95 रुपया बिक रहा है, आज के डेट में जो है गैस सिलेंडर 300-450 था, आज 1000 रुपया बिक रहा है, कहाँ से सरकार जा रही है 5 किलो राशन पे? 5 किलो राशन और सड़ा प्लास्टिक का चावल जो खा करके हमारे समाज के गरीब जो बहुजन समाज है उनका सत्यानाश कर रही है,
हाँ लीवर खराब कर रही है। और नमक में आप तमाम तरह मीडिया वाले बनाए थे सोशल मीडिया पर कि नमक एक अगर एक किलो दिया गया तो उसमें बालू था, रेत था, शीशा था, इस पर हमारे जनता वोट दे रही है। मोदी जी ने कहा था कि आप लोग हमारा नमक खा रहे हैं इसलिए हमें वोट दीजिए, तो कहीं नमक का फर्ज अदा तो नहीं कर दिया रहा? उसने देश का नमक उसने खाया तो देश का सैयद तो गाया ही नहीं, उसने तो सीधे सीधे उठाया देश को बेचना चालू कर दिया। उसका तो झूठ बोलना हम लोग आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना फेंका। हाँ कह रहा था 35 साल मैंने भीख मांगा, फिर उसके बाद राजनीति में आया, कब पढ़ा कब लिखा कब डिग्री उसको मिल गई हमको पता ही नहीं चला। हमको तो लगता है मुखौटा है प्रधानमंत्री का, उसके बस का कुछ भी करना नहीं है, वो देश बेच डालेगा अगर उसकी सरकार आती है तो। तो आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया? हमको तो कोई हिसाब नहीं, बस ये किया कि देश को बेच करके देश को चला रहा है। अब हमारे बच्चे युवा बात समझिए शिक्षा के लिए यूक्रेन में जाकर फंसे, केवल झूठ बोलता है वो टीवी गोदी मीडिया है जो आज के डेट में भाजपा को चला रही है। जिस दिन मीडिया छोड़ दे उसको तो 0/50 जो है हम कहते हैं कि 17 नंबर पासिंग नंबर अगले को कभी नहीं मिलेगा, वो जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा बताइए, किस पर आप क्या चाह रहे? जो एग्जिट पोल दिखा रहे भाजपा की सरकार आ रही है, आपको क्या लग रहा है भाजपा की सरकार किस मुद्दा पर आएगी? कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान कह कर के वोट मांग रहे हैं। विकास वाला बात 5 साल में कभी किए हैं? ना नौकरी मिला ना चाकरी मिला, नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, यहीं हाथ रस में देखे हैं बेटी की सुरक्षा की आप बात कह रहे हैं, देख रहे हैं हाथ रस में किस तरह बेटी की थी हुआ, उनके उन्हीं की सरकार थी ना, और किसी का सरकार था नहीं। गाँव में एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है वो गाँव में जमीन पर उतर पर सर्वे नहीं हुआ है, केवल ऊपर ऊपर ये लोग केवल उन्हीं का कहा जा रहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वही दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। चाचा एग्जिट पोल सही है क्या गलत? एकदम गलत है। क्यों, आपके हिसाब से क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जो सरकार मोदी का सरकार जो चल रहा है ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, कांग्रेस सरकार में 60 रुपया किलो 60 रुपया लीटर पेट्रोल था, 50 रुपया दाल था, 50 रुपया सरसों के तेल था, आज के ज़माने में 200 रुपया लीटर सरसों के तेल हो गया है, पेट्रोल 100 रुपया हो गया है, डीजल 90 रुपया हो गया, ऐसा भ्रष्ट सरकार कोई हुआ ही नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि हमें हिंदुत्व के नाम पे वोट दे दिया गया। हिंदू मुस्लिम को तो ढोकलेसला बतियाते हैं, हिंदू मुस्लिम खाने बिना मरेगा तो हम लोग इंसान हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोई नहीं है, एक इंसान की लड़ाई है जहाँ पर गरीबों के मदद हो, गरीबों के। आज मान लीजिए कि भारत सरकार रेल के मालिक था, रेल सब प्राइवेट को दे दिए, नौकरी कहाँ मिलेगा, बेरोजगार लड़के पड़े हुए हैं, 3 लाख जगह रेलवे में है, सबकी सब खत्म हो गया। अब बताइए इस सरकार कैसे चलेगी? हॉस्पिटल को क्या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो संविदा पर मायावती और अखिलेश संविदा पर रखते थे उसको प्राइवेट टेंडर पर दे जाइए, प्राइवेट पर ठेका दे दिया, करोड़ों रुपया लेकर ठेका दे दिया, प्राइवेट संस्था लोग चला रहे हैं, ठेकेदार लूट रहे हैं, ये सरकार भ्रष्ट है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो हकीकत है या नहीं? नहीं वो सब हकीकत नहीं है, सपा आ रही है। सपा आ रही है जी, सपा। बाबा जी तो कह रहे हैं कि हम मेरी सरकार पे, बाबा जी अमरीश पुरी हैं कहते हैं पहले हराम के खाने की आदत डालो इन लोगों को, फिर अंगूठे का निशान लगवाएंगे। तो अभी हराम का हो, हरामी के 5 किलो दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि पहले हराम के खाने की आदत पड़ जाए फिर अंगूठा के निशान बाद में ले लेंगे। तो आपके हिसाब से भाजपा क्यों ठीक नहीं है? नहीं नहीं भाजपा नहीं ठीक है। चलिए चाचा से बात करते हैं, क्या लग रहा है चाचा आपको जो एग्जिट पोल कल से दिखा रहे? टोटल गलत लग रहा है, टोटल गलत है एकदम। ये जुमलो बाजू की सरकार है, आज सारा झूठ बोल करके जनता को गुमराह ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सपा की सरकार इस बार आ रही है हमारे यहाँ। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास किया हमने 5 साल में, इसलिए हम दोबारा। किसी का बेरोजगारी इतना चरम पर है, बच्चे कम से कम 2 साल से एकदम घर पर बैठे हैं, ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया ये बना करके बच्चों का ब्रेन हेमरेज कर रहे हैं, ये इतने इस मोबाइल में गलत मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे वो क्या पढ़ेंगे सब, आपके बच्चे हों चाहे हमारे बच्चे हों, ये डिजिटल इंडिया इनका एकदम टोटल गलत है, बहुत भ्रष्टता की ये सरकार है। पहले तो इतने ये लोग घोटालेबाज किए हैं, सहारा बंद करवा दिए, पल्स बंद करवा दिए, जितने छोटे छोटे कंपनी आते सारे बंद करवा करके अब पैसा घोटाला ये लोग कर लिए, आइए पब्लिक का एक चवन ही नहीं दिलवाए, इतना बड़ा कोई घोटालाबाज सरकार नहीं होगी।
आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो कितनी हकीकत है इसमें? जी वो बिल्कुल गलत है। सरकार अखिलेश की बन रही है और उन्हीं की बननी भी चाहिए, और सत्ता का परिवर्तन भी चूंकि जरूरी है। नहीं तो अखिलेश को क्यों पसंद कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि और कोई विपक्ष उनके खड़ा होने लायक वो छोड़े ही नहीं है। सत्ता में कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो खड़ा हो सके। अगर इस बार सरकार नहीं बदली तो कोई विपक्ष रह ही नहीं जाएगा, ये ज़मीनी हकीकत है। और जो एग्जिट पोल की बात है, सर्वे जो हो रहा है वो ग्रामीण स्तर पर नहीं हो रहा है, वो शहरी स्तर पर हो रहा है। और शहर में जो बनिया बिरादरी, राजपूत, कुछ इस तरह के बिरादरियाँ हैं जो उनके सपोर्ट में हैं भाजपा के, बाकी अन्य बिरादरियाँ उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। जो भी हमने ग्रामीण स्तर, जैसे हम अपने गांव में चाहे जहां भी हमने सर्वे किया, अपने हिसाब से पूछताछ किया, तो लोगों ने यही बताया कि सपा की सरकार बन रही है। चलिए, ये लगातार मैं पब्लिक से पूछने की कोशिश कर रहा था, और जो हकीकत बंगाल में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, एग्जिट पोल तो इससे पहले भी आए हैं, आपने देखे होंगे एग्जिट पोल में कुछ दिखाया जाता और हकीकत में होता कुछ। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता। कैमरा मैन आशीष के साथ अनलॉक कुमार, यूपी।